मिलेट ज्वार पिज्जा बनाते हैं आज मेरे चैनल पे। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रेसिपी बाय कनिका। क्या आपको या आपके बच्चों को पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, पर आपको लगता है कि काश हम बिना मैदे या आटे के पिज्जा बेस बना पाए, तो ये रेसिपी आपके लिए है। ये पिज्जा ग्लूटेन फ्री है और इसमें मिलेट्स यानी ज्वार का बेस है और ये बिना यीस्ट के बनता है, पर बहुत यमी और टेस्टी है। पर आप पहले आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और लाइक्स यानी थम्स अप का बटन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए ये हेल्दी पिज्ज़ा बनाना शुरू करें। पिज्ज़ा बेस बनाने के लिए हम सबसे पहले ज्वार का आटा लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा चावल का आटा डालेंगे, दैट इज़ राइस फ्लावर। चावल का आटा हम इसलिए इसमें डालते हैं जिससे कि बेस थोड़ा क्रिस्प बन जाता है और ज्वार के आटे में थोड़ी बाइंडिंग आती है। तो राइस फ्लावर ऐड करने से हमारा जो बेस है वो थोड़ा सा क्रिस्प और अच्छा सा बाइंडेड बनेगा। बस अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, बेकिंग पाउडर, ओरिगनो, ये मेरे ड्राइड ओरिगनो है इसको मैंने डाल दिया है। अब थोड़े से हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, अगर आपको मिर्ची अच्छी नहीं लगती तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं। बस अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा ड्राई मिक्स रेडी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम साइड में रख लेंगे। अब जैसे हम एक ज्वार की रोटी बनाते हैं उसके लिए हम पहले एक गैस पे पानी रखेंगे और उसको हम बॉईल पे ले आएंगे। खूब तेज़ गर्म बॉइलिंग वाटर हमारा होना चाहिए। अब देखिए हमारा पानी अच्छे से तेज़ गर्म हो गया है और बॉइलिंग लेवल पे आ गया है। अब हमने जो अपना ज्वार के आटे का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें एक चम्मच के करीब अपना ऑयल डाल देंगे। मैंने इसमें ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है, आप इसमें जो भी ऑयल यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, बट हाँ पिज्ज़ाज में थोड़ा ऑलिव ऑयल बेटर लगता है। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से चलाते हुए हम इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये सारा हमारा सूखा आटा जो है वो हमारा वेट डो में बन जाए। अप्रॉक्सीमेटली 1:1 के रेशो में हम यूजुअली ज्वार के आटे का और पानी को लेते हैं। तो हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए अब इसको मिक्स कर लीजिए आप, और ये अभी फ्लेम मेरी ऑन ही है। आप देखेंगे ये थोड़ा थोड़ा आटा धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा है और एक साथ होके ये बिल्कुल आपकी जो नॉर्मल रोटी की डो की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। जब आपको लगे कि ये आटा अच्छे से मिक्स हो गया है और कोई सूखा आटा नहीं बचा है तो हम इसको गैस से इस तरीके से उतार लेंगे और एक उसके ऊपर हम ढक्कन लगा के, लिड लगा के हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि ये थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाए, जिससे कि हम इसको हाथ से थोड़ी देर मल के इसको हम एक साथ डो की तरह बना दें। बस अब 5 मिनट बाद हम देखेंगे हम इसमें एक काउंटर टॉप पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इसको हम उसके ऊपर निकाल लेंगे और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा नीड करेंगे। नीड भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कोई ग्लूटेन नहीं है, बट फिर भी अच्छे से इसको मल लेंगे जिससे कि एक स्मूथ बॉल ऑफ डो बन जाए। अब उसको अच्छे से बस सब मलना है। ये डो थोड़ा गर्म होगा तो हाथ थोड़ा आराम से ही इसको छुएं और करें, क्योंकि हम बहुत ठंडा भी नहीं इसको कर सकते। अगर हम बहुत ठंडा करेंगे तो ये कई बार मलने में मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा हल्के से वॉर्म उसमें ही हम इसको करेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा ज्वार का आटा गुन गया है और ये देखिए कितना अच्छा से स्मूथ हो गया है। बस अब हमें इसमें पिज्ज़ा बेस बनाना है। पिज्ज़ा आप अपने डिज़ायर्ड साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं, बट क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री पिज़्ज़ा है तो इसको आप बहुत लंबा आप नहीं बेल सकते और बड़ा नहीं बेल सकते, तो इसके मैंने 3 पीसेस किए हैं। आप इसके 4 पीसेस भी आराम से छोटे साइज़ के 4 भी पिज़्ज़ाज़ बना सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट बहुत बड़े पिज़्ज़ाज़ ना बनाएं क्योंकि ग्लूटेन फ्री आपका जो डो होता है, आपका जैसे ज्वार का डो है उसमें बहुत ज़्यादा स्टिकिंग पार नहीं होती है तो इसलिए वो उठाने में कई बार टूट सकता है। इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप इसके 3 या 4 करके ही इसको बेले। अब देखिए मैंने इस तरीके से एक बॉल ले लिया है और थोड़ा सा सूखा ज्वार का आटा लगा के इसको हम एक बेलन की हेल्प से इसको हम बेल लेंगे। अगर आपसे इस तरीके से बेलने में दिक्कत आ रही हो तो आप 2 पार्चमेंट पेपर के बीच में रख के भी इसको अच्छे से बेल सकते हैं, बट क्योंकि अब हमने इसको इस तरीके से कुक करके
पका लिया था आटा, तो आप देखेंगे ये बेलने में बिल जाता है। अगर ये कहीं कहीं से साइड से थोड़ा सा ब्रेक भी हो रहा है या फट रहा है तो आप इसकी टेंशन नहीं लीजिए, ये बाद में हाथ से हम उसको जोड़ लेंगे, बट हाँ मेक श्योर कि ये आपके नीचे स्टिक ना करे। तो इनिशियली आपको अगर ये स्टार्ट करना है तो आप थोड़े इससे भी थोड़े छोटे साइज़ के पिज्ज़ा से ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपके आसानी से आपसे बिल जाए और उसका हम पिज़्ज़ा बना पाएँ। और इसको हमारे बेस को थोड़ा मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला रोटी की तरह नहीं करना है, क्योंकि ज्वार की जो भाकरी बनती है, रोटी बनती है, वो थोड़ी पतली बनती है, पर पिज़्ज़ा का बेस थोड़ा सा मोटा होगा, क्योंकि ये जब बेक होएगा तो ये अच्छा सा इसमें एक टेक्स्चर आएगा और ये हमारा अच्छे से बन जाएगा। बस अब आप इसको हिला के देख लीजिए ये नीचे से ना चिपके, और जो इसकी साइड्स हैं जो हमारे रफ हो रहे हैं, अब हम उनको हाथ से पिंच करते हुए हम इसको एक राउंड शेप में प्रॉपर बनाने की कोशिश कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से आप हैंड से पिंच करेंगे और दबाएंगे तो ये आटा बिल्कुल आपस में फिर से स्टिक कर जाएगा। बस इसको अब हमें बड़ी केयरफुली उठा के एक बेकिंग ट्रे पे, जिसमें मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है और उस पर थोड़ा सा बटर से उसको ग्रीस कर दिया है, हम उसको उसके ऊपर रख देंगे। और हाँ, अगर आपको उसको उठाने में दिक्कत आ रही है तो आप नीचे एक सिंगल लेयर की भी पार्चमेंट पेपर लगा सकते हैं और उस पर आप डायरेक्ट बेल सकते हैं, तो उससे आपको उठाने में ये टूटने का डर नहीं रहेगा। तो बस अब आप इसको इस तरीके से उठाइए, एक बेकिंग शीट पे रखिए और फिर हम इसको प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे। बेक करने से पहले हम इस पर थोड़ा सा पानी का ब्रश लगा देंगे, इससे आपकी जो भाकरी होती है, जो ज्वार की रोटी है या जो पिज़्ज़ा बेस है हमारा, वो अच्छे से हमारा कुक हो जाएगा जब हम इसको ओवन में रखेंगे। तो अच्छे से आप इसको हल्के हाथ से ब्रश कर दीजिए पानी को। बस अब हम एक ओवन को प्री हीट कर लेंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस और फिर हम इस बेस को एट 200 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, एक साइड से बेक करेंगे उसको 10 मिनट्स के लिए। इसके लिए मैंने उसको मिडल रैक में रखा है। फिर 10 मिनट के बाद हम उसको बाहर निकाल के हम उसको फ्लिप कर देंगे और फिर दूसरी साइड से 220 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए हम उसको और कुक कर लेंगे। बस फिर जब ये हमारा जो आपका हमारा ये बेस है वो सेमी कुक हो जाएगा तो हम उसको बाहर निकालेंगे और फिर हम उसको पिज़्ज़ा उसके ऊपर असेंबल करेंगे। बस अब बेस पे थोड़ा सा बटर लगा लेंगे, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से आप पूरे उसमें फैला के लगा दीजिए। अब हम इसके ऊपर अच्छे से मोज़रेला चीज़ या पिज़्ज़ा चीज़ लगा देंगे और अच्छे से लिबरली, जितना आपको चॉइस हो, जितना आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से अपने चॉइस के हिसाब से चीज़ लगा दीजिए, ये पिज़्ज़ा चीज़ है। अब हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स लगा देंगे, आप अपने चॉइस के वेजिटेबल्स लगा दीजिए। मैंने इस पे अनियन और रेड येलो बेल पेपर्स लगाए हैं और मैंने इसमें ग्रीन ऑलिव्स और रेड पेपरिका मैंने इसके ऊपर लगाई है। आप रेड एलिपिनोज मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं और ये अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ओरिगनो को स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए बहुत सुंदर हमारा पिज़्ज़ा लग रहा है, अब हम इसको बेक करेंगे। अब हम इसको बॉटम रैक में ओवन में हम इसको रखेंगे और इसको 180 डिग्री सेल्सियस में विद बॉटम रॉड ऑन हम इसको बेक करेंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 10-15 मिनट्स, जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए और वो ओवर ब्राउन ना हो जाए। आप देखेंगे कि इतनी देर में आपकी जो पिज़्ज़ा का जो बेस है वो भी अच्छे से पक जाएगा। इसको हम बॉटम रैक में इसलिए रखते हैं जिससे कि नीचे से अच्छा क्रिस्प हमारा पिज़्ज़ा हो जाए। अब देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल बन के रेडी है, चीज़ एकदम मेल्ट हो गई है, बेस हमारा कुक हो गया है। ये बिल्कुल आपको एक थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट देगा और ये बहुत ही यम्मी लगेगा। मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये पिज़्ज़ा एंड ही रियली लाइक्स इट। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है आपको पिज़्ज़ा बनाने की, अगर जगह आपको ये बनाना हो, ये बिल्कुल एक थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा जैसा लगता है। आप इसको इमिजिएटली इसको उसमें से निकाल के आप एक थोड़ा सा वाइड रैक पे रख देंगे तो ये नीचे से थोड़ा सा स्टीम निकल जाएगी तो ब्रेड और क्रिस्पी हो जाएगी। तो बस अब हम इसको 2-3 मिनट ऐसे थोड़ा वाइड रैक पे रख के इसको हम कट करेंगे और सर्व करेंगे। तो आप ये इंजॉय करें, ये हेल्दी और एक मिलेट
उसकी गुडनेस से भरा हुआ पिज्ज़ा। और अब आपको इतना ये गिल्ट नहीं होगा जब भी आप पिज्ज़ा खाएंगे, तो आप खाइए और अपने फ्रेंड्स को ये इंजॉय करवाइए, ये एक यम्मी पिज्ज़ा। सो ज्वार पिज्ज़ा आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन यानी थम्स अप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, इससे मुझे आगे और वीडियोस बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।